आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया, हमने छोड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राजभवन पहुंचे उसके बाद उन्होंने महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को इस्तीफा दे दिया। अब नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, एनडीए की ओर से अब समर्थन दिया जाएगा नीतीश कुमार की सरकार को। नीतीश कुमार के पास फिलहाल 45 विधायक है, एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह उनका भी सहयोग है तो 46 विधायक है। इसके अलावा 78 विधायक है बीजेपी के पास, 4 विधायक हम पार्टी के भी हैं यानी कि मांझी जी की पार्टी के हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई, महागठबंधन टूट गया बिहार में। नीतीश कुमार जब राजभवन से बाहर निकले हैं क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हम लोगों को बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना, आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों हुई सर? नौबत क्यों हुई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको, बीजेपी का आप नहीं। हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग काम कर रहे हैं, सब तरह धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है, तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। अवसरवादी है भाई, हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ उनकी बातें समझ में आई हैं, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, बड़ी देर हो रही थी और अभी तक सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई थी। नीतीश कुमार ने काफ़ी प्रयास किया सबको एक साथ लाने का, एक सूत्र में सबको बांधने का, नीतीश कुमार ही सूत्रधार थे इंडिया अलायंस की, लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार इस्तीफा देकर बाहर निकले हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। नीतीश कुमार ने अंतोगत्वा इस्तीफा दे दिया है, बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई, महागठबंधन टूट गई, और उसके बाद अब नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहा आपने सुना है, राजभवन से निकलने के बाद क्या कुछ कहा है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। संजय झा बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, बीजेपी के विधायकों के साथ अब नीतीश कुमार विधानमंडल की बैठक करेंगे, एनडीए विधानमंडल की बैठक करेंगे। नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ वापसी कर रहे हैं, फिर से वापस जा रहे हैं, एनडीए में वापसी हो रही है उनकी, इस साल लोकसभा चुनाव है, 2024 का साल है। ऐसे में नीतीश कुमार ने क्या कहा आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, धन्यवाद।